हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है और मैं एक मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं मन के कैंसर के बारे में, जिसको स्किजोफ्रेनिया कहा जाता है। मन का कैंसर जो है स्किजोफ्रेनिया या छिन्न मानस, विकृत मानस, यह एक विकारों का समूह है, मतलब काफी लक्षणों का एक समूह है। इसमें अलग अलग लक्षण एक साथ ही एक ही आदमी में दिखाई दे सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो विचारों में विकार आता है, या बातचीत करने में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, भावनाएं जो है उसमें विकार आ जाता है, या फिर भ्रम होते रहते हैं अलग अलग तरह के, या फिर बर्ताव जो है वो भी बराबर होता नहीं है उसका बर्ताव, वो व्यक्ति का मतलब बर्ताव ठीक नहीं, बिहेवियर, फिर उसकी भावनाएं मतलब इमोशंस, उसके थॉट्स मतलब विचार, इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम दिखाई देता है। इसमें होता क्या है कि एक तो भ्रम होते हैं, मतलब कानों में आवाज आएंगे, कोई आसपास नहीं होने के बावजूद भी कुछ दिखाई देगा, कोई सामने नहीं है तभी भी, या चमड़ी का भ्रम होगा कि कुछ तो भी कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, या टेस्ट का भ्रम होगा कि भाई मुझे जो टेस्ट आ रही है तो उसमें मुझे अभी कुछ तो ऐसा लग रहा है कि कुछ खाने में मिला रहे मेरे, ऐसा मुझे अलग टेस्ट लग रही है तो ऐसा, और नाक से कोई बांस आएगा अलग अलग और उसका भ्रम होगा। वैसे विचारों में कि लोग मेरे पीछे लगे हैं, लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, टीवी में रेडियो के ऊपर मेरे बारे में बातचीत चालू है, न्यूज़पेपर में अखबार में मेरे बारे में छपा जा रहा है, इस तरह के विचारों का भ्रम भी होते रहता है। उसकी भावना जो है वह तो बहुत उग्र स्वरूप धारण कर लेते, बहुत ज़्यादा भावना हो जाती है, या फिर मतलब चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, या फिर भावना एकदम फ्लैट हो जाती है, मतलब कोई भावना ही नहीं, भावनाहीन हो जाना। उसमें बर्ताव में क्या होता है, बर्ताव में एकदम वो वायलेंट हो सकता है, उसको लगता है कोई आ गया मारने के लिए इसलिए वो मारना चालू करेगा, या फिर अपने आप से बातें करना चालू करेगा, बड़बड़ बड़बड़ करेगा अपने आप से, हाथ ऐसे करेगा तो जैसे कि किससे वो बात कर रहा है, नींद अच्छी नहीं आएंगी। और ये जो लक्षण है, ये लक्षण 6 महीने तक होना जरूरी है। यदि लक्षण 6 महीने तक होते हैं तो उसको स्किजोफ्रेनिया मतलब मन का कैंसर कहा जाता है, या उसको डायग्नोस किया जाता है। इसमें 100 में से 1 व्यक्ति को जिंदगी भर में कभी भी, उसको फॉलोअप किया तो 100 में से 1 व्यक्ति को जिंदगी में कभी भी यह स्किजोफ्रेनिया हो सकता है। वैसे 10,000 आबादी में 1 से 5 व्यक्तियों को यह बीमारी हो सकती है। 10 साल से लेके 65 साल तक ये टाइम पीरियड में बीमारी होती है, मतलब 10 साल के नीचे और 65 साल के ऊपर बहुत कम दिखाई देती बीमारी। यह सब समूह में, सब जाति में, सब देशों में यह बीमारी दिखाई देती है। ये लोगों को तंबाकू का सेवन करना, शराब का सेवन करना, उसकी आदत ज्यादा रहती है, और बाकी भी बीमारियां उनको जल्दी लग जाती है, और उनका मृत्यु का प्रमाण भी बाकी आबादी से ज्यादा होता है लोगों में। यदि एक व्यक्ति मतलब पालक में से, मां बाप में से यदि कोई भी एक यदि इसका शिकार है तो 12% चांस बच्चों का है कि वह ऐसी बीमारी उनको लग जाएंगी, इस तरह की बीमारी लग जाएंगी। और यदि मां बाप दोनों को ये बीमारी है तो 40% चांस है कि बच्चों को बीमारी हो जाएंगी। फिर से बोलता हूं कि मां बाप में से एक को यदि बीमारी है तो 12% चांस है बच्चों को बीमारी होने का, और मां बाप दोनों भी ये बीमारी से ग्रसित है मतलब ये बीमारी है तो 40% चांस है बच्चों का ये बीमारी होने का। इसमें वो काम नहीं करता, अकेला बैठे रहता है, और फिर ऐसा हो जाता है कि एक बार आपने इसको ठीक किया, मतलब बहुत ज्यादा जो लक्षण है विकार जो है वो यदि शांत हो गए, यदि कम हो गए, तो फिर कम मात्रा में, कम प्रमाण में ये बीमारी रहती है, उसको बोलते रेसिडुअल स्किजोफ्रेनिया, मतलब जो पहले लक्षण थे अभी वो कम प्रमाण में है मगर उसको लक्षण है, वो पूरा नॉर्मल नहीं हुआ है। इसमें से 33% जो है 33% वो पूरे अच्छे हो जाते हैं इलाज करने के बाद में। 33% ऐसा है कि वो गोली लेते लेते उनको मतलब गोली चालू रखना जरूर रहता है, गोलियां दवाई बंद कर दिया दवाई तो वो उनको फिर से दवाई बीमारी हो जाएगी,
और 33% ये अप्रॉक्सीमेटली फिगर है, उनको दवाई देने के बावजूद भी अच्छे होते नहीं। घर में एक व्यक्ति यदि बीमार है स्किज़ोफ्रेनिया से तो पूरा घर बीमार हो जाता है, उसको घर में रखना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कुछ लोग हैं कि जिनको घर में रखना मुश्किल है, उनके घर में कोई शादी है तो प्रॉब्लम है, या कहीं उनको बाहर जाने का है घूमने फिरने के लिए तो ये पेशेंट घर में तो प्रॉब्लम है। इसलिए हमने हमारे हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्था की है कि आप उनको हमारे यहाँ छोड़ दो, 8 दिन 15 दिन महीना 2 महीने जितना भी छोड़ना है उनका उतना हम उनको ठीक करेंगे, आप आपका काम करो, घूमने घूम के फिर के आ जाओ, शादी करो, जो भी करना हो करो, और उनको बाद में लेके जाओ, हम उनका संभाल करेंगे, उनको संभालेंगे, उनका इलाज करेंगे, क्योंकि इनको घर में रखना बहुत मुश्किल हो जाती है। और हमारे हॉस्पिटल में तो बाकी भी है कि शराबी है, उसको ठीक करना है तो उनको भी हम बिना रिश्तेदारों के रखते हैं, और बाकी भी कई जो बीमारी मानसिक उनको भी बिना रिश्तेदार हमारे हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। और हॉस्पिटल में जब वो रहते हैं तब उनको कुछ ट्रीटमेंट देती है, और ट्रीटमेंट के अलावा उनको कुछ ना कुछ कला सिखाई जाती है, जैसा कोई टेलरिंग का काम है, फाइल बनाने का काम है, या ऐसा कुछ भी काम, गार्डनिंग है, ताकि वो जब अपने घर जाएंगे, वापस अपने समाज में जाएंगे, हो सकता है कि वो पहले वाला जॉब नहीं कर सकेंगे, पहले वाला काम नहीं कर सकेंगे, तो फिर ये अभी जो नया सीखा हुआ काम वो कर सकेंगे। आपको और जानकारी कभी चाहिए तो आप कभी भी हमको संपर्क कीजिएगा। मेरे वीडियो ऐसी मनोविकार के बारे में, मोटिवेशन इंस्पिरेशन के बारे में आते रहते हैं, आपको अच्छा लगा तो आप लोगों को जरूर शेयर करो। हो सकता है कि आपके रिश्तेदारों में किसको ऐसी बीमारी होंगी जिनके आप ये शेयर कर सकते हैं, उनको उनका इलाज करने के लिए उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनको रेफरेंस दे सकते हैं। और आपको जरूर ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।